मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने बनाई है स्पेशल चिकन पेरी पेरी। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। चिकन पेरी पेरी बनाने के लिए 750 ग्राम चिकन लिया है, उसको अच्छे से धो के कट करा है। उसमें कट लगाए हैं हमने, 5 से 6 कट लगाए हैं। 750 ग्राम चिकन है, 2 लेग पीस है और 2 बड़े पीस है। एक बड़ी चम्मच नमक, एक बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, एक छोटी चम्मच शक्कर, एक नींबू का रस, थोड़ा तेल लिया है और एक छोटी चम्मच मैदा लिया है और एक बड़ी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये सब लिया है। अब हम इसमें चिकन में सब मसाले मिलाते हैं। अब हम चिकन में सब मसाले मिला देते हैं। नमक, नमक मिलाएंगे। एक बड़ी चम्मच नमक है, एक बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी मिर्च पाउडर सिर्फ कलर के लिए रखी है हमने, मिलाई है अंदर, गरम मसाला वो भी मिला देंगे, अदरक लहसुन वो भी मिला देंगे अंदर, नींबू का रस, एक नींबू का रस है, शक्कर है, एक छोटी चम्मच शक्कर है, मैदा और तेल डालकर हम इसको अच्छे से मिलाएंगे सब मसालों को। सभी मसालों को अच्छे से हम मिला देंगे और मसाले मिलाकर आधे घंटे के लिए हम सेट होने के लिए रख देंगे। अच्छे से मिलाना है मसालों को, 5 मिनट तक मसालों को मिलाना है अच्छे से। और आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे हम। आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। आधी कलाक हो गई है चिकन को रखे हुए, हमने मसाला देकर रखा था चिकन को, आधी कलाक हो चुकी है। अब हम फ्राई करते हैं चिकन। तेल को मैंने गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। चिकन में अच्छे से मसाले मिल गए हैं हमारे, बहुत अच्छे से मिल गए हैं। अब हम फ्राई करते हैं एक एक पीस को। तीन से चार मिनट के लिए हम फ्राई करते हैं चिकन। बीच में थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे। एक छोटा पीस और रखेंगे हम साइड में। ऐसे करके दो दो पीस फ्राई कर रहे हैं हम, एक बड़ा और एक छोटा पीस। 4 मिनट के लिए फ्राई करना है हमको, 4 मिनट के लिए फ्राई करते हैं।
अब हम पलटेंगे। फ्राई हो गया है, इतना अच्छा फ्राई हो गया है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे और दूसरे भी फ्राई करते हैं। अब दूसरा पीस फ्राई कर रहे हैं, फिर से फ्राई करेंगे दूसरे पीस को हम। दूसरे पीस को फ्राई करते हैं अब एक पीस और बड़ा पीस फ्राई कर लिया है। बीच बीच में घुमाएंगे, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। 3 से 4 मिनट फ्राई किया है हमने। गैस को हम धीरे कर देंगे। अब इसमें हम दूसरा पीस वापस रख रहे हैं। ऐसे और सब मसाले जो बचे हैं वो डाल देंगे अंदर। पीस के ऊपर मसाले रखने हैं हमको। लेग पीस के ऊपर रखेंगे मसालों को। सब मसाले डाल दिए हैं, दूसरा पीस भी रख दिया है अंदर मैंने, दोनों पीस बड़े और दो छोटे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे आजू बाजू में, पीस पे नहीं डालना है हमको। दस से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे पकने के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो गई है। अब हम थोड़ा सा पलटेंगे। कढ़ाई छोटी है, थोड़ा सा पलटेंगे अब इसको हम।
पलट दिया है हमने, थोड़े लेग पीस कच्चे हैं ये वाले, इनको पकाएंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के लिए ये छोटे लेग पीस कच्चे हैं, इनको पका रहे हैं। पक गई है चिकन, पकी हुई दिख रही है, छूट रही है खुद ब खुद, लेग पीस से टुकड़े निकल रहे हैं। पांच मिनट के लिए और पका रहे हैं हम। पांच से दस मिनट के लिए हम धीरे आंच पर फिर से पकाएंगे ढककर। चिकन पेरी पेरी पक गई है हमारी, अब हम इसको सर्व करते हैं। इसके साथ हम प्यूरी बनाएंगे। इसके साथ हम अब दूसरी प्रोसेस पे चलते हैं। अब थोड़े प्याज लिए हैं, थोड़े प्याज लिए हैं, 5 लहसुन की कुलियाँ लिए हैं और 5 लाल मिर्च ली है तेज वाली, उसका हम सूप बनाते हैं, प्यूरी बनाते हैं। थोड़ा पानी डालकर प्यूरी बनाते हैं हम इसकी, उबालेंगे इसको, फिर पीस लेंगे ग्राइंडर में हम। 5 मिनट से 7 मिनट तक उबालेंगे इसको हम। थोड़ी देर उबाल लिया है, हम गैस बंद करते हैं और इसको पीस लेते हैं ग्राइंडर में। प्यूरी को पीस लिया है, प्यूरी को पीस लिया है हमने, अब हम सर्व करते हैं। चिकन पेरी पेरी तैयार है, जो प्यूरी बनाई थी उसके साथ हमने सर्व किया है, चावल चपाती और सलाद के साथ सर्व किया है। तो आप घर में ज़रूर बनाएं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।